इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी आपने जो स्क्रीन पर न्यू स्टेटस वीडियो देखा है, उसी तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों अपने फोटो के साथ या किसी के भी फोटो के साथ, तो दोस्तों मैं आपको इस तरीके का वीडियो एडिटिंग काइन मास्टर ऐप में सिखाने वाला हूँ, जो बहुत ही सिंपल तरीका होने वाला है और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अपना स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी मटेरियल मैं इस स्टेटस वीडियो को बनाने के लिए यूज करने वाला हूँ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आपको सारे मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन में आ जाना है और अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 9x60 वाला रेशियो सेलेक्ट करके नीचे क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज सेट वाले पर चले जाना है। यहाँ से आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस बैकग्राउंड इमेज का जो है ड्यूरेशन बढ़ा के दोस्तों आपको 16 सेकेंड तक कर लेना है। यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं मैंने 60 सेकेंड तक कर लिया है, यहाँ रेड कलर बॉक्स में 16 सेकेंड लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। टाइम लाइन में स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन वाला टेम्पलेट वीडियो, इस वीडियो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा स्लिप्ड स्क्रीन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस वीडियो को फुल टू स्क्रीन कर देना है। फुल टू स्क्रीन कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से स्लाइड करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा क्रोमा की वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो परसेंटेज दिख रहा है इसे परसेंटेज को बढ़ा के आपको 70% सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना एक फोटो सेलेक्ट करना है जिससे आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट लाइन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको इस फोटो को जो है सेंड टू बैकवर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो का ड्यूरेशन जो है बढ़ा के यहाँ पे आपको जितना आपका ऊपर वाला टेम्पलेट वीडियो है लगभग 7 सेकेंड तक इस फोटो का ड्यूरेशन बढ़ा के कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फोटो पर कुछ तरीके से जहाँ पे मैं आया हूँ टाइम लाइन में यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको अपने फोटो पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका फोटो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको एरोल निशान से कुछ इस तरीके से अपने फोटो को जो है छोटा कर लेना है अच्छे से, इस तरीके से जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ अच्छे से छोटा करके इसमें आपको व्हाइट वाले बॉक्स में अच्छे से अपने फ़ोटो को सेट कर देना है। सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इमेज का उसको कट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से जो है फ़ोटो को अपने अच्छे से क्रॉप कर देना है जैसे मैं क्रॉप कर दे रहा हूँ। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। अपने वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना एक सेकेंड वाला फोटो सेलेक्ट करना है जिस फोटो को आप लगाना चाहते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेंड बैकवर्ड वाले पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको टाइम लाइन में कुछ तरीके से नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको आपका सेकेंड वाला जो है फोटो मिल जाएगा। इसका भी ड्यूरेशन बढ़ा के दोस्तों आपको लगभग 7 सेकेंड तक कर देना है, जितना आपका ऊपर वाला जो वीडियो है उतना लगभग कर देना है। टाइम लाइन में आप देख सकते हैं 7 सेकेंड तक कर देना है। अच्छे से कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से टाइम लाइन को स्लाइड करके थोड़ा यहाँ पर ला के छोड़ देना है जहाँ पर मैंने किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है। अपने फ़ोटो पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो वाले फ्रेम में आ जाना है और अपने फ़ोटो को यहाँ पे अच्छे से सेट करना है। पहले आपको एरो वाले निशान से अच्छे से सेट कर देना है और यहाँ पे जितना साइज इस बॉक्स का है इतना कर लेना है एरो वाले निशान से खींच के अच्छे से अपने फ़ोटो को यहाँ पे सेट कर देना है। फ़ोटो को सेट करने के बाद दोस्तों सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको इस फोटो को क्रॉप करना पड़ेगा साइड से, तो आपको इस फोटो के सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे तो क्रॉपिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है दोस्तों आपको साइड से सिर्फ इसे क्रॉप कर देना है। क्रॉप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आपका वीडियो स्टार्टिंग में जो वीडियो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट पोजीशन में आ जाना है। लास्ट पोजीशन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना एक
पहला वाला जो फोटो लगाया था सेकंड में, ये वाला फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी फोटो आप इसमें लगा सकते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले शिफ्ट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से इसे फुल टू स्क्रीन कर देना है। फुल टू स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको इस फोटो के लास्ट पोजीशन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना सेकेंड वाला जो फोटो लगाना चाहते हैं इसमें फोटो लगा सकते हैं। इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शिफ्ट स्क्रीन पे आना है और इस फोटो को भी फुल टू स्क्रीन कर देना है। इससे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फ्रेम में। यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो को इधर या उधर करके अच्छे से सेट कर सकते हैं। फोटो सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस अपने बैकग्राउंड के लास्ट पोजीशन में आ जाना है। यहाँ पे जो फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैची वाला ऑप्शन पर और यहाँ से ट्रिम राइट कर देना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों कट चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको इस जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लास्ट पोजीशन में आ जाना है। ग्रीन स्क्रीन वाले के लास्ट पोजीशन में आने के बाद दोस्तों आपको यहां से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे मिल जाएगा एक इफेक्ट वीडियो, वीडियो को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से शिफ्ट स्क्रीन वाले पे क्लिक करके इसे फुल टू स्क्रीन कर देना है। फुल टू स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इसे स्लाइड करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्रीन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो के लास्ट पोजिशन में आ जाना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पोजीशन में आएंगे तो आपको देखिए ये ब्लैक स्क्रीन वाला जो वीडियो है उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैची वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको इस वीडियो को ट्रिम राइट कर देना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों इस वीडियो का कट जाएगा। टाइमलाइन में देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है कट चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक लिरिक्स वीडियो वाला लगाना पड़ेगा। लिरिक्स वीडियो लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको टाइमलाइन को स्लाइड करके यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है एक लिरिक्स वीडियो। इस लिरिक्स वीडियो को आपको यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने टाइम लाइन को स्लाइड करना है, थोड़ा ऐसे स्लाइड कर लेना, अच्छे से इस तरीके से स्लाइड करना है और यहाँ से एरो वाले निशान से खींच के इस लिरिक्स वीडियो का जो है साइज अच्छे से बढ़ा लेना है, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। सेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको लिरिक्स वाले वीडियो के सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से इसे सेट कर देना है एकदम अच्छे से। थोड़ा साइज आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अपनी लिरिक्स वीडियो का साइज बढ़ाने के लिए बढ़ा के आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट पोजीशन में आ जाना है। वीडियो के लास्ट पोजीशन में देख लेना है जो लिरिक्स का एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कैची वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से आपको ट्रिम राइट कर देना है। फाइनली दोस्तों जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट चुका है। फाइनली दोस्तों आपका वीडियो जो है बनके तैयार हो चुका है। जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था सेम उसी तरीके का मैंने वीडियो बनाकर दिखा दिया, आप देख सकते हैं सेम टू सेम उसी तरीके का वीडियो बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा एच डी साइज सेलेक्ट करना है और फ्रेम रेट 30 रखना है। सेव एस वीडियो पर क्लिक कर देना है। दोस्तों थोड़ा टाइम वेट करने के बाद यह वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं।